दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक धमाकेदार जीके ट्रिक बताने वाले हैं, जिससे आप लोग विटामिन की जो ट्रिक होती है उसको आराम से याद कर पाओगे। इस समय आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, बहुत ही शानदार सी लाइन लिखी है, रथ में रानी परी को एक टॉफी दो। बस आपको बस ये लाइन याद रखना है और आपकी जो विटामिन के जो रासायनिक नाम होते हैं आप लोग उनको आसानी से याद कर पाओगे। इसी तरह के और धमाकेदार ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं और नई ट्रिक लेकर के आऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जान लेते हैं कि इस ट्रिक की मदद से आप लोग कैसे याद करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला वर्ड है रथ। रथ देखिए दो चीज़ों से मिलकर बना, आपका रा और था। बस आपको रा और था पे ध्यान देना है। तो जो रा है वो उससे बनेगा रेटिनॉल, और ये किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ए का। इसके बाद आपका था है, था से बनेगा दोस्तों आपका थायमीन, और जो थायमीन है वो दोस्तों आपका विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है। तो रथ से आपके दो रासायनिक नाम क्लियर हो गए। अब बढ़ते हैं दोस्तों रानी की तरफ। अब रथ में पहले मे था, तो मे को साइलेंट कर दो, उसके बाद कुछ भी साइलेंट नहीं है, ध्यान से देखिएगा। रानी, रानी में आपका दो वर्ड है भाई, रा और नी। तो रा से बनेगा दोस्तों आपका क्या? राइबोफ्लेविन, जो कि विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है। और जो आपका नी है, ध्यान से देखिएगा, नी, नी से आपका क्या बनेगा दोस्तों? निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड बोलते हैं इसको, निकोटिनामाइड बोलते हैं इसको, बेसिकली आप जान सकते हो। और ये जो है विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम है। यहाँ तक क्लियर हो गया, रानी हो गया ना। रानी के बाद क्या दोस्तों आपका? परी है, और इस परी से आप लोग याद रखिएगा पायरिडॉक्सिन, और ये जो होता है दोस्तों विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम होता है। समझ में आ गया सर? विटामिन ए हो गया, बी वन हो गया, बी टू हो गया, बी फाइव हो गया, इसके अलावा बी सिक्स हो गया। अब आगे है भाई क्या? रथ में रानी को है, तो को से आपका बनेगा सर कोबाल्मिन, या इसको साइनोकोबाल्मिन भी बोलते हैं, और ये होता है दोस्तों विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम। ठीक है सर, साइनोकोबाल्मिन भी याद रखिएगा या कोबाल्मिन याद रखिए, ये जो होता है दोस्तों आपका विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम होता है। और उसके बाद है दोस्तों आपका क्या? एक, और जो एक है उसमें दो वर्ड हैं, ए और का। तो ए से बनेगा दोस्तों आपका एस्कॉर्बिक अम्ल, और जो का है उससे बनेगा दोस्तों आपका कैल्सीफेरॉल। तो बस इतना याद रखिएगा, एक एस्कॉर्बिक अम्ल आपका विटामिन सी का, और कैल्सीफेरॉल दोस्तों होता है आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम। इसके बाद लास्ट में है भाई आपका टॉफी दो, तो दो को साइलेंट कर दो, सिर्फ टॉफी पर ध्यान दो। तो टॉफी यहाँ पर आपके सामने रही, टॉफी आ भी चुका है, खा भी सकते हैं, आपका मन आपके ऊपर है। तो टॉफी का जो टॉफी से जो निकलता है वो ये है कि टॉ से बन जाएगा आपका टोकोफेरॉल, और फी से बन जाएगा आपका फ्लीक्विनॉन। तो इतना चीज़ें आप लोग को याद रखना है, फ्लीक्विनॉन आपका विटामिन के का, और टोकोफेरॉल दोस्तों आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। तो ए बी सी डी ई के याद हो गया आपको, बी में बी वन आपको हो गया, बी टू बता दिया आपको, बी टू में आपको शायद अगर नहीं पता तो बी टू जान लो सर राइबोफ्लेविन का होता है, और जो भी मैंने इंपॉर्टेंट होते हैं आपको यहाँ पर बता दिए। अब इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर। तो चैनल को यार आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है अगर आप लोग नए हो, और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और आप लोग किन किन चीज़ों पर ट्रिक चाहते हो, नई नई ट्रिक्स बनाई जाएंगी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो बस आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।